यात्री गण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आज भी कोई गाड़ी नहीं आ रही। भैया दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक आशावादी और दूसरे, जी बिल्कुल सही, निराशावादी। तो स्टेशन मास्टर फूल कुमार पैदाइशी तो आशावादी थे, पर जब से उनकी ड्यूटी यहाँ केसुपुर में लगी है, इनके पैर धीरे धीरे निराशावादी कैंप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल बतौर स्टेशन मास्टर ये उनकी पहली पोस्टिंग थी। इसके पहले वो गोरखपुर जंक्शन के स्टार सिग्नल अफसर थे, और इसीलिए उन्हें इतनी कम उम्र में ही स्टेशन मास्टर का ओहदा तो नसीब हुआ, पर बदकिस्मती से उनके कैरियर की सुपर फास्ट गाड़ी यहीं केसुपुर में पटरी से उतर गई। देखिए वैसे तो केसुपुर स्टेशन में वो सब कुछ है जो एक छोटे से स्टेशन में होना चाहिए। पटरियां हैं, दो प्लेटफॉर्म हैं, एक मनमौजी कुत्ता है, एक जिंदा लाश है, एक क्लीनर कम पार्ट टाइम कुली, और हाँ एक टिकट काउंटर कम पार्ट टाइम टपरी भी है। भाई कमी है तो बस एक ही चीज की, ट्रेनों की। जी केसुपुर स्टेशन में सिर्फ दो ही पैसेंजर ट्रेनें अटेंडेंस लगाती हैं, बल्लूपुर अप और बल्लूपुर डाउन, जिनका ना आने का ठिकाना और ना जाने का पता। और इसीलिए आजकल हमारे फूल कुमार थोड़े निराश और कैसे कहें, थोड़े असंतुलित से लगते हैं। यहाँ पहले गोरखपुर जंक्शन पर वो 100-100 गाड़ियों की सिग्नलिंग संभालते थे, वहीं आज वो एक लोको की हॉर्न सुनने को तरस गए हैं। हेलो कैबिन, ये पटना राजधानी का स्टेटस क्या है, दिख नहीं रही है सिस्टम पे। सर पटना राजधानी, सर सर वो तो यहाँ से नहीं जाती सर, सर ये केसुपुर है सर। सॉरी हाँ सर, सर कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। पर अपने फूल कुमार केसुपुर स्टेशन की भयानक बोरियत के पहले विक्टिम नहीं थे ना। इनके पहले जो स्टेशन मास्टर थे वो एक दिन पैंट शर्ट पहन के आए और साड़ी ब्लाउज पहन के सदा के लिए निकल ली, और विरासत में छोड़ गए बस एक टूटी कंघी, दो चुटकी सिंदूर और एक अटपटी सी फ्रांसीसी गानों की सीडी। हालात ये थे कि कभी कभार जब कोई मालगाड़ी गुजरती तो फूल कुमार उसे इतने हर्षोल्लास के साथ सिग्नल दिखाते जितना कभी किसी राजधानी या शताब्दी को भी नसीब ना हुआ हो। नतीजन केसुपुर स्टेशन के बाकी बाशिंदे उनकी दिमागी हालत को लेकर थोड़े चिंतित होने लगे, पर हमारे फूल कुमार की जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली थी। जी कोई नई ट्रेन नहीं आई थी केसुपुर में, पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बेंच नंबर 4 पर एक नई पैसेंजर जरूर देखी गई। वो कौन है? ऑन वो बेंच नंबर 4 पे, पता नहीं कुछ दिनों से आ रही है यहाँ, थोड़ी देर बैठती हैं और फिर चली जाती हैं। बल्लूपुर डाउन के लिए? पता नहीं, बेड़ी है, मर जाएगा। और उस दिन से फूल कुमार में एक नई जान सी आ गई, आखिरकार उनके निराशा की टनल में आशा की किरणें चमकने लगी।
करीब आके गुजर जाती है, देखे बिना ही मुझे चली जाती है। सताती है मुझको लेकिन गंदगी तो यही लुका छिपी, और किस्मत तू पास आके क्यों मिलती नहीं। शरारत है ये आते है धोखा धड़ी, है धोखा धड़ी, है धोखा धड़ी, है धोखा धड़ी। हरिया ओरिया, ये कचरा यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे स्टेशन पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। आई वॉन्ट क्लीन ब्यूटिफुल एफिशिएंट स्टेशन। अरे सुबह सुबह दिमाग मत ही खराब करो, तुमको परेशानी हो रही है ना, हाँ तो लो झाड़ू पकड़ो और खुद ही साफ कर लो। साले नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ निकाल देना। अरे जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। अपने ठरक को थोड़ा काबू में रखो बाबू, बहुत भारी पड़ सकता है। पर भैया ये ठरक नहीं थी। नो नेवर। दरअसल अपने फूल के दिल में तीन अलग अलग फीलिंग्स उठक बैठक कर रही थी। एक तो जिज्ञासा थी कि आखिर वो लड़की कौन है, उसे किसका इंतजार है, और उसी से जुड़ा था डर, जो कि आप समझ ही सकते हैं। पर सबसे बड़ी फीलिंग थी प्यार की। हेलो, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? पीछे से ही देख देख कर अपने सुनसान स्टेशन के उस अनजान लड़की को फूल ऐसे दिल दे बैठे कि क्या कहें। अब बस जरूरत थी थोड़ी हिम्मत और एक बढ़िया सी ओपनिंग लाइन की। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मुझे भी किसी का इंतजार है, मुझे भी किसी का इंतजार। एक बार देखिए तो सही, पलट पलट पलट। हाँ केसीपुर, हाँ हाँ सिग्नल देता हूँ, ऑल क्लियर है। कह दू कैसे तुझे मैं रहती हमेशा उलझन यही, आती पास तो मेरे होती है दिल में एक खलबली। खैर कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, न किस्मत ने साथ दिया न साहस ने हाथ थामा। पर भैया किस्मत भी आखिर कब तक डिनायल मोड में रहती। एक दिन वही हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। मैडम एक्स प्लेटफॉर्म 2 से पटरी पार करके प्लेटफॉर्म 1 की तरफ आती हुई देखी गई, और फूल कुमार ने भी तय कर लिया कि आज उसकी जिंदगी भी ये पार या वो पार होगी। सुनिए मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। नहीं, आप जो रोज वहां पे इंतजार करती है ना, मुझे भी किसी का इंतजार है जी। वो तो मैं फ्री वाईफाई के लिए आती हूँ। कौन है? कौन है बे? कौन है वहाँ? कोई नहीं है, टीटी है, टिकट मांग रहा था। सुनिए जी, मुझे भी आपसे कुछ कहना था। क्या? वो
पिछले 2 दिन से वाईफाई सही से नहीं चल रहा। भैया से बात ही नहीं हो पा रही, लंदन में रहते हैं। भैया चुटकी किससे बात कर रही है? हाँ हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? हेलो हेलो, फोन मत काटना। जी भैया, अब आप लड़की का बायोडाटा मांगेंगे, कौन है, क्या करती है, इत्यादि इत्यादि। तो साहब, लड़की कर रही है एमए इन हिंदी भाषा, कद 5 फुट 7 इंच और नाम है आशा। तो बस बन गए हमारे फूल कुमार पूरे आशावादी। अब आप भी जाइए और अपनी जिंदगी में ढूंढिए थोड़ी सी आशा। बाकी केशवपुर में जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। गरीबा के गुजर जाती है, देखे बिना ही मुझे चली जाती है, सताती है मुझको तेरी लुका छिपी। और किस्मत तू पास आके क्यों मिलती नहीं, शरारत है ये प्यार तेरी है धोखाधड़ी, है धोखाधड़ी, है धोखाधड़ी, है धोखाधड़ी।